तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं HP X3500 OLS माउस जो कि हमारे पास आके पहुंच चुका है Amazon से। दोस्तों ये प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने से पहले मुझे लगा एक वीडियो बना लेता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं Amazon से, आपको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका प्राइस क्या है, फीचर्स एंड अगर आप अमेजोन से परचेस करते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा पैकेट के अंदर, सारे डिटेल्स में आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर दोस्तों आप ये प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हैं या परचेस करने जा रहे हैं, ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और एक बार दोस्तों वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनवेश, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप अमेजोन से परचेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैकेट इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं पैकेट के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। पैकेट मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों इनवॉइस, लेते हैं साइट में। अब दोस्तों ये है हमारा HP X3500 OLS माउस जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका पैकेट दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो पैकेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इतने अच्छे से पैक नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि पुराना स्टॉक है। फिर भी दोस्तों चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। उससे पहले बॉक्स जो पैकेट के ऊपर क्या क्या है मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। इसका प्राइस दोस्तों MRP आपको प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा 749 रुपीज़, जो मुझे चार्ज किया गया दोस्तों 549 रुपीज़। दोस्तों ये ड्यूरिंग सेल अगर आप परचेस करना चाहते हैं आपको अराउंड 500 से 600 रुपीज़ तक आ जाएगा। अगर दोस्तों आप नॉर्मल डेज में इसे परचेस करना चाहते हैं आपको अराउंड 600 से 700 रुपीज़ तक आ जाएगा। अब दोस्तों इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये है हमारा HP X3500 LS माउस। तो और दोस्तों इसका वारंटी के बारे में बात कर लेता हूँ। ये 1 ईयर डोमेस्टिक वारंटी रहता है, तो आपको HP वारंटी भी 1 ईयर तक देखने को मिल जाएगा। तो इसका वेट के बारे में बात कर लेते दोस्तों, बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है, तो आप आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों फुली प्लास्टिक से बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन लुक वाइज भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का लुक ये दे रहा है। तो अगर आप फिंगर रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये भी अच्छे से फिट हो रहा है हाथ में, तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे चला सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं पैकेट में और क्या क्या है। आपको कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हर चीज़ में रहता है इलेक्ट्रॉनिक सामान या दूसरे चीज़ों में। तो ये कुछ यूज़र मैनुअल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्विक स्टार्ट गाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसे भी कर लेते हैं साइड में। अब दोस्तों पैकेट में और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बैटरी भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैटरी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको HP ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, दोनों साइड में क्लिकेबल बटन्स देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यहाँ पर आप बैटरी डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका रिव्यू वगैरह के बारे में बात करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिव्यू है, ऑनलाइन में आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये प्रोडक्ट को परचेस भी करना चाहते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके बेस्ट बेनिफिट्स पा सकते हैं, ये प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक LED लाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि कैसे वर्क कर रहा है। और दोस्तों इसे कवर कर लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों मुझे पैकेट के अंदर इसका जो कनेक्टर USB कनेक्टर रहता है वो मुझे दिया नहीं गया है। हालांकि दोस्तों पैकेट के ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों लाइव आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ,
इसमें कोई भी मैंने छेड़खानी नहीं की है वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा अमेजोन ड्यूरिंग सेल किस तरह से फ्रॉड कर रहा है मुझे लग रहा है। तो दोस्तों हो सकता है पैकेजिंग में कुछ गलतियां हो वो सेलर के द्वारा, तो लेकिन दोस्तों इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने अच्छे ब्रांड चला रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का ई कॉमर्स का, तो दोस्तों इस तरह से गलतियां नहीं होना चाहिए। पैकेट के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए इसके बिना ये वायरलेस माउस को मैं किस तरह से यूज़ करूँगा। पहली बात तो दोस्तों ये एलईडी लाइट आपके सामने ही जब ऑन किया तो दोस्तों इसका कुछ अप डाउन कुछ हो रहा था, दोस्तों ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इसका जो पैकेट दोस्तों मैंने जब पहली बार ओपन किया दोस्तों आपके सामने ही रख दिया कि ये मुझे यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा है, जिस तरह से इसका पैकेजिंग है मुझे ठीक नहीं लगा। इस तरह से दोस्तों ऐसा लग रहा था कुछ ओपन है, तो आपको यहाँ पे सेलो टेप देखने को मिल जाएगा। ये सील नहीं है कंपनी की तरफ से, ये कुछ इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि ओपन पहले कोई कर चुका है ये प्रोडक्ट को। आप रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप अवेलेबल नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, कुछ इस तरह से गलतियाँ हो गया उन लोगों से, और उसके बाद दोस्तों आप जब ओपन किए बॉक्स को आपको कुछ इस तरह से गलतियाँ नज़र आया, उसके बाद दोस्तों आपके पास रिटर्न पॉलिसी भी नहीं होता है, तो दोस्तों आप रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। रिटर्न जो वैलिडिटी डेट होता है वो ऑलरेडी गन हो चुका होता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेस करते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ऐसा नहीं कि दोस्तों अमेजोन से, फ्लिपकार्ट हो सकता है, स्नैपडील हो सकता है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ भी परचेस करते हैं इस तरह से गलतियाँ हो सकता है। दोस्तों ड्यूरिंग सेल तो बहुत सारे गलतियाँ होता है। दोस्तों मैंने मेरे एक्सपीरियंस से दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप बिग बिलियन से हो गया, इंडियन जो ग्रेट फेस्टिवल सेल हो गया, इस तरह से दोस्तों अगर आप सेल से किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेस करते हैं तो दोस्तों बहुत सारे ऑर्डर्स उन लोगों के पास आता है, तो इस तरह से गलतियां हो जाता है। दोस्तों ये हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हो सकता है दोस्तों सेलर के द्वारा भी कुछ गलतियाँ हो जाए। फिलहाल तो दोस्तों ये प्रोडक्ट को मैं रिटर्न कर लूँगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो के एंड में भी मुझे पता चला कि क्या गलतियाँ हुआ है अमेजोन के तरफ से एंड सेलर के तरफ से। दोस्तों मैं तो वेरीफाई करूँगा, लेकिन आप लोगों को भी एक जानकारी मिल गया कि आप लोग भी वेरीफाई कर लेंगे इस तरह से अगर सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन तो। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट मैंने रिटर्न कर लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसमें USB अडेप्टर नहीं था, तो दोस्तों उसको मैंने रिटर्न कर लिया। रिफंड तो नहीं था दोस्तों, रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहे थे तो रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाल दिया। तो उसके बाद दोस्तों ये प्रोडक्ट मेरे पास आके पहुँच चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट करने के बाद आता है बेसिकली, तो इन हैंड रिप्लेस हो गया। अभी तो आप देख चुके हैं कि जो प्रोडक्ट था वो कैसा था। अभी रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट देख लेते हैं, मैं आपको ओपन करके लाइव दिखा दूंगा कि इसमें कुछ खराबी है या ये सही है। तो वीडियो में बने रहिए। सो इसे मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनवॉइस मिल रहा है, ठीक है, जिस तरह से मिल रहा था ये दोस्तों उस प्रोडक्ट में भी था। और दोस्तों वो जो बॉक्स था वो कुछ डिफरेंट, मतलब यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा था, उसके बॉक्स से ही इस तरह से नज़र आ रहा था। लेकिन दोस्तों ये सही लग रहा है, इसका लुक वाइज देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से ओपन था, जैसे कि स्टिचिंग वगैरह करके स्टिकर वगैरह लगा के दे दिए थे, उस टाइप का दिख रहा था। लेकिन इस पर कुछ भी खराबी नहीं है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। रिप्लेसमेंट करने के बाद ये अच्छा आया हुआ है। तो इससे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये किस तरह से अच्छे से पैकेजिंग होके आया है। जो पहले मैं आपको दिखा रहा था वो प्रोडक्ट, उसमें डायरेक्टली ये बॉक्स के अंदर माउस था और कुछ नहीं था, ना यूज़र मैनुअल, नथिंग, कुछ भी नहीं था उस प्रोडक्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आया हुआ है, अच्छे से कवर होके, बैटरी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। ये दोस्तों देखिए, ये मिसिंग था, जो पहले वीडियो में मैं आपको दिखा रहा था पहले पार्ट में, ये मिसिंग था। अभी दोस्तों रिप्लेसमेंट के बाद ये देखिए आया हुआ है, तो ये इसके अंदर था। अभी माउस देख लेते हैं, माउस दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से वायरलेस माउस कवर होके आया हुआ है। और आपको याद होगा जो मैं आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले ही, तो इसमें कुछ भी इस तरह से कवर नहीं था, डायरेक्टली माउस था, यूज प्रोडक्ट लग रहा था, किस तरह से पैकेजिंग होके मुझे दिया गया था। तो ये मुझे सही लग रहा है, न्यू लग रहा है, ये सही है। और ख़ास बात यह है कि इसमें मुझे
यूएसबी अडेप्टर मिल गया जो कि पहले नहीं था। रिप्लेस करने के बाद ये सही आया है और कवर भी सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। पैकेजिंग भी सही तरीके से हुआ है जैसे एचपी का होता है। इसे कर लेते हैं ओपन। ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बैटरी डालने के लिए देखने को मिल जाएगा और जो यूएसबी अडेप्टर है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसे रख सकते हैं, कहीं खोने की भी मतलब परेशानी नहीं है। आप डायरेक्टली कैरी करके ले सकते हैं इसे यहाँ पे रख के। बैटरी डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, इसे ऑन कीजिए। ये फिलहाल ऑफ है तो ये कुछ इस तरह से लाइटिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मुझे अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अमेजोन से अगर मैंने परचेस किया हुआ है तो पहली बार में ही ये अच्छा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने रिप्लेस करने के बाद वो मुझे दोबारा से अच्छे प्रोडक्ट भेजे। ऐसा हो सकता है दोस्तों, सेलर से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकता है। तो ड्यूरिंग सेल बहुत सारे ऑर्डर्स उन लोगों के पास आता है तो इस तरह से गलतियाँ होता रहता है। लेकिन सही है, रिप्लेसमेंट होने के बाद मेरे पास सही प्रोडक्ट आ गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसे मैंने टेस्ट कर लिया है, मेरे लैपटॉप के साथ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डायरेक्टली क्लिक करके ये प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना, मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ इस तरह से हो चुका है अमेजोन के साथ या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, तो दोस्तों मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। चले इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर न्यू वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों मैं अनुश रहता हूँ, फिर मिलता हूँ बहुत जल्द और एक नए वीडियो लेकर। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी।